जब हमने पहली बार जॉन ग्रीन की द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पढ़ी तो हमें जल्द ही पता चल गया था कि इस नॉवेल को एक फिल्म में बदलने की बहुत जरूरत है। 2012 में ये अनाउंसमेंट की गई थी कि बुक को एक फिल्म में बदल दिया जाएगा, जिसका सब उस वक्त काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हेलो एंड वेलकम टू ग्लैमरिया, दिस इज योर फेवरेट होस्ट पलक गुप्ता विद यू टुडे एंड वी ब्रॉट यू अनदर वीडियो वेयर वी विल टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फिल्म फॉल्ट इन आवर स्टार्स। So let's get started without any delay. Film mein Shailene Woodley, Ansel Elgort aur Nat Wolff saath mein Laura Dern, Sam Trammell aur Willem Dafoe ke saath supporting roles mein the. Shailene Woodley ne 16-year-old cancer patient Hazel Grace Lancaster ke character ko nibhaya hai, jise uske mom dad ke through ek support group mein shamil hone ke liye kafi force kiya jata hai, jahan wo baad mein milti hai aur Augustus Waters se pyar kar baithti hai, जिसे एंसल एलगॉट के थ्रू कैरेक्टर निभाया गया था। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि द फॉल्ट इन आवर स्टार्स फिल्म में ऐसे बहुत से फन फैक्ट्स हैं जो शायद ही किसी को पता होंगे। ये अमेरिका की नंबर वन फिल्म बन गई थी और इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। फिल्म ने हम सबको हंसाया, रुलाया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फिल्म ने हमें प्यार करना सिखाया। क्या आपको पता है कि लेखक जॉन ग्रीन स्टार्ट में द फॉल्ट इन आवर स्टार्स मूवी बनाने के अगेंस्ट थे? उन्हें पता था कि इसमें इमोशनल सीन्स को खराब कर दिया जाएगा। जब उन्हें फिल्म एजेंट ने नॉवेल को स्टूडियो और निर्माताओं को भेजने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि परेशान ना हो, हम शर्त लगाते हैं कि वह अब इससे भेजने के अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि फिल्म को क्रिटिक्स की बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिली और वहीं अपने स्टार्टिंग वीकेंड के दौरान डोमेस्टिक और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट प्लेस बरकरार रखी थी। इसके आसपास प्रेजेंट में 12 मिलियन डॉलर के अपने बजट के मुकाबले 127 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई है, जिससे ये एक फाइनेंशियल सक्सेसफुल फिल्म बन गई थी। साथ ही जॉन ग्रीन को द फॉल्ट इन आवर स्टार्स में एक छोटा सा कैमियो करना था, जिसमें वो एक लड़की के फादर के रूप में जो मॉल में हेजल के पास जाती थी और उसकी ऑक्सीजन ट्यूब के बारे में पूछती है, इसे हटा दिया गया था। न्यूयॉर्क स्क्रीनिंग के बाद प्रशंसकों के साथ एक Q&A के सेशन के दौरान जॉन ग्रीन का कहना है कि फिल्म के डायरेक्टर जोश बुने ने उन्हें बताया कि उनकी एक्टिंग कंप्लीटली इनफ है और फुली यूजेबल थी। उनका कहना है कि जब उन्हें पता चला कि सीन कट कर दिया गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा राहत मिली। ग्रेट डिसीजन, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, उन्होंने ये भी कहा। हम तीसरे अननोन फैक्ट की बात करें तो जॉन ग्रीन इतने बड़े सॉकर फैन है कि उनका एक अलग से ट्विटर फीड है जिस पर वे स्पेशली गेम के बारे में ट्वीट करते हैं। उनके 53K यानी कि 53,000 फॉलोअर्स भी हैं। उनकी सॉकर फनाटिकनेस भी इस कारण का हिस्सा है कि उन्होंने निर्माता विक गॉडफ्रे के साथ काम करना चुना, जिन्होंने द फॉल्ट इन आवर स्टार्स को अपनाने के लिए उनसे संपर्क किया। देखिए, विक गॉडफ्रे भी एक इमोशनल सॉकर फैन है और जाहिर तौर पर दोनों ने डील क्लोज करने से पहले लिवरपूल के बारे में तो बात की ही थी। ये काफी एपिक है। रूमर्स ये भी है कि शालिनी वुडले ने बिहेवियरल रूप से अपनी फिल्म में आने के लिए भीख मांगी, क्योंकि क्रू मेंबर्स को यकीन नहीं था कि वो फिल्म के लिए सही है या फिर नहीं। वो बहुत एथलेटिक है, बहुत हेल्दी दिखने वाली है और बहुत ब्यूटीफुल भी। उसने जॉन ग्रीन को एक अनएक्सपेक्टेड रूप से लंबा पत्र लिखा जिसमें उन्हें कास्ट करने के लिए कहा गया। हालांकि जब एंड में हेजल ग्रेस लैंकास्टर की भूमिका में आई तो निर्देशक जोश बुने ने कहा 250 से अधिक लड़कियों ने भाग के लिए पढ़ा, लेकिन जब तक शैलिन ने कैमरे के सामने कदम नहीं रखा तब तक मैंने पहली बार हेजल को देखा। ओ, शैलिन ने भी भूमिका के लिए अपने बालों को काटने के बाद एक कारण के लिए दान दे दिया। टाइटल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स सीधे शेक्सपियर से आता है। वास्तव में पुस्तक में एक चरित्र बार्ड की लाइंस को डिपिक्ट करता है जिसका टाइटल बोरो कर लेता है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवरसेल्व्स दैट वी आर अंडरलाइनिंग। हो सकता है कि हम इन चीजों को देखते समय ना जानते हो, लेकिन हर फिल्म में इतने सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं। जॉन कहते हैं हेजल एक इन बिटवीन का रंग है, वो बहुत सी चीजों के बीच में है, स्वस्थ और बीमार के बीच, व्यस्तता और बचपन के बीच, सांस लेने वाली हवा और सांस लेने के पानी के बीच और आदि। तो ऐसा लग रहा था जीवन में उस समय की स्थितियां और भय का संप्रोषित
करने का छोटा तरीका। क्या बात है, कौन जानता था कि उसके नाम के पीछे इतना बड़ा आइडिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही हंसते रहिए और ध्यान रखिए। अलविदा।